अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जफार रजा जावा। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले गुज़श्ता काफ़ी हफ्तों से एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज जो है वो हम आपको 13 फरवरी से 19 फरवरी तक का बताने लगे हैं। सबसे पहला बुझमल है, सितारा मरीख है, आपका मनसूबा दिन मंगल है और अदद जो है वो 9 है आपका। पीर का दिन जो है वो आपका सितारा चूंकि बहुत अरूज पे है इस वक्त और आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स में जो है वो इजाफा हो रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। बैरून मुल्क जॉब अगर किसी ने अप्लाई की हुई तो उसको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का दिन जो है वो शरीकेकार से मामला तय करना जो है वो बेहतर होगा, यानी पार्टनरशिप के हवाले से कोई आपकी टर्म्स हैं तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। अज़वाजी जिंदगी में बेहतरी आएगी, शादी से मुतल्लिका किए गए इकदाम जो है वो मुफीद होंगे आपके लिए। मुलाजमत की तब्दीली के लिए एक अच्छा दिन है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बुध का दिन जो है वो काफी बेहतर है, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप इस दिन में साहिब इक्तदार या अफसरों से मदद ले सकते हैं, उनके पास अपने मसाइल के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन आज आपको सफर से गुरेज करना होगा। इसी तरह किसी भी किस्म की जज्बातियत या इख्तलाफात या झगड़े फसाद से जो है वो आप गुरेज करेंगे। खानगी और अज़दवाजी मामलात में भी आपकी इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी आएगी। ये मजमू तौर पर ये खुशकिस्मत दिन है। जुमेरात जो है आज आपके जो है वो बैरून मुल्क सफर के हवाले से कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि काम जो है बन सकते हैं। आपने अगर कोई वीजा वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो उसका जवाब पॉजिटिव आ सकता है। दोस्तों का भरपूर ताबन जो है वो आपको अवेलेबल होगा, मयसर रहेगा। मंगनी शादी के हवाले से मामला जो है उसमें भी बेहतरी मतवक्का है। अगर आपकी बात नहीं चल रही तो पॉजिटिव आपको आंसर मिल सकता है। कारोबारी मामलात में जो है ये अगर आप कोई शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, यानी तवील दौरानी की कोई प्रोग्राम बना लें तो ज्यादा आपको कामयाबी मिल सकती है। जुमे के दिन आप कदरे ज़हनी दबाव का शिकार रहेंगे। मुश्तरका मामलात में माली नुकसान का अंदेशा रहेगा आपको। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत जो है वो पूरी नहीं होंगी। ये कुछ बेहतर दिन नहीं है, बेहतर है आप इसको एहतियात से गुजारें और दूसरों से मामला जो है उसको बेहतर अंदाज में आप निपटाने की कोशिश कीजिएगा। हफ्ते के दिन आप कदर ज़हनी दबाव में कमी महसूस करेंगे। केमिकल और मेडिसन का काम करने वालों अफराद के लिए एक बेहतर दिन है। आपको कुछ चेंज महसूस होगा इंशाल्लाह। दिन का आखिरी हिस्सा जो है वो काफी बेहतर अंदाज में गुजरने की तवक्को है आपकी। इतवार के दिन जो है वो आप आज आपकी जो है ना वो तवज्जो रहेगी तरक्याती कामों पर, पब्लिशिंग पर, एडवर्टाइजमेंट पर और सफर से मुतल्लिका भी आपके जो मामला है उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अपने से बड़े या सीनियर लोगों से मुलाकात जो है वो आपकी बेहतर होगी, उनसे मुशावरत करना जो है वो बेहतर होगा। माली उमूर में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और कुछ मामला इस हवाले से जेर गौर भी रहेंगे।